नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला ऑल्ट न्यूज़ से। 2 फरवरी 2019 को जी न्यूज़ हिंदी, न्यूज़ 18 और कई अन्य मीडिया संगठनों के रिपोर्ट के अनुसार दलित संगठन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी एक रैली के दौरान एक विवादित बयान दिया था। मीडिया संगठनों के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा, यहाँ जितनी भीड़ खड़ी है उन्हें सिर्फ एक बार मेरे इशारे का इंतज़ार है। हम भारत बंद करना जानते हैं तो हम भारत जलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। एक सीमा होती है उत्पीड़न की। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दावे को बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। क्या सही में चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा कोई बयान दिया है? मैं बस उन्हें इतना बता देना चाहता हूं, ये जो भीड़ यहाँ खड़ी हुई है बस ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के इशारे की इंतजार कर रही है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो भारत चलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाए। एक सीमा होती है उत्पीड़न की, एक सीमा होती है। हमने जब चंद्रशेखर आजाद के वीडियो को देखा और उस हिस्से को जहां उन्होंने ये बयान दिया है उसको बार बार सुना, तो ये स्पष्ट होता है कि मीडिया संगठनों द्वारा किया गया दावा सरासर गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत चलाना बोला है, ना कि जलाना। हमने इस जानकारी को स्पष्ट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के पुराने भाषण भी सुने। पुराने भाषण में भी इस भाषण से मिलते जुलते संवाद आते हैं। रोड की लड़ाई हमारे साथ आगे लड़िए, वरना हमें कहिए कि हम अपने आप लड़े तो फिर तुम्हारी जरूरत भी खत्म कराने के लिए भी याद रहेगा। भारत बंद करना जानते हैं तो भारत चलाना भी जानते हैं। और ट्रेन में तो अंदर बैठा हुआ था, अब की बात बाहर उस साथियों के बीच। अगर सबसे पहले गोली खाएगा तो चंद्रशेखर खाएगा। जैसा कि आपने सुना, भारत चलाना बोला है, ना कि भारत जलाना। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए उनके एक वीडियो में ये कहा कि मीडिया संगठनों द्वारा किया गया दावा सरासर गलत है। उन्होंने भारत चलाना ऐसा बोला है, जलाना नहीं बोला। मोदी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है, एक झूठी खबर चला रहे हैं कि हम भारत बंद कर सकते हो तो भारत जला भी सकते हैं। सच्चाई ये है कि मेरा स्टेटमेंट हमेशा रहता कि जब हम 2 अप्रैल को भारत बंद कर सकते हैं तो भारत को चला भी सकते हैं, और हम चलाने भी वाले हैं, हम भारत के शासक बनने वाले हैं। लेकिन ये जो मोदी मीडिया जो है मेरा चरित्रहनन करके इस तरह के झूठे जो खबरें चला रही है, इनसे कल हिसाब करूँ, मानहानि का इन पर दावा करूंगा। ये भूल गए हैं, लोकतंत्र है और ये देश संविधान से चलता है, इनको शायद संविधान की ताकत का एहसास नहीं, तो मीडिया को कल इसकी ताकत का एहसास कराया जाएगा। तो ये जो झूठी खबरें चला रहे हैं ये माफी मांगे कल तक, और अदरवाइज मैं इनके खिलाफ मुकदमा करूँ। चंद्रशेखर आजाद के वीडियो के उस हिस्से को जिस पर विवाद हुआ है, स्लो मोशन पे सुनने से फर्क साफ हो जाता है। अगर हम भारत बंद करना जानते तो भारत चलाना भी जानते। जी न्यूज और न्यूज 18 ने ऑल न्यूज की रिपोर्ट के बाद अपनी रिपोर्ट को बिना कोई स्पष्टीकरण किए अपडेट कर लिया। 6 फरवरी 2019 को आजाद ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि जी न्यूज और न्यूज 18 दोनों मीडिया संगठनों ने उनको अपनी रिपोर्ट में गलत दर्शाने पर माफी नहीं मांगी। आज़ाद ने इसीलिए दोनों मीडिया संगठनों पर मानहानि का नोटिस भेजा है। खबरों की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।